Thank you अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद सब ठीक ठाक कुछ बाश होंगे तो जनाब टाइम चल रहा है कुछ रात के आँ... सात बजे का तकरीबन सात बजे हुए थे सो so, ये आप नज़ारे चेक करें हमारे घर में ऐसे लगता है कोई बॉम फटा है तो यहाँ पे कोई बॉम शाम नहीं फटा यहाँ पर बच्चे फिरे हुए हैं और बच्चे और अभी भी एक्टिव हैं फुल एक्टिव हैं लेकिन मेरे सोने का टाइम नज़दीक आ रहा था सो मेरी आदत है रात को ना आम तौर पर सोने से पहले एक बार मैं सारी चीज़ें उठाती हूँ ना घर में से सो so, बस वही काम कर का रही थी और ये जो छोटा सा बच्चा आपको नज़र आ रहा है ना ये जो सालार है ये एक तबाह, तबाही तबाही मचाने की मशीन है माशाल्लाह <laughs> माशाल्लाह फुल वो रेडियो एक्टिव जो बच्चे होते हैं ना वो है सो so, इस हम लोग जरा बातों में क्या मसरूफ़ हुए कि पाँच मिनट इनके ऊपर से टोटल हमारी नजर हटी हुई है तो यहाँ पे ना हमने ला के रखा था मक्की का आटा सो प्लान था कि आज सुबह ना हम लोग बनाएंगे आ, साग आया हुआ था हमारा आ, तो वो और साथ में मक्की की रोटी बनाएंगे लेकिन आ, ये हुआ कि हम लोग कमरे में थे सलाद चुप करके बाहर निकला और उसने टेबल पे चढ़ कर खोल के उसमें जितना भी आटा था ना थोड़ा सा तो बच गया अल्लाह का शुक्र है बाकी भी टेंशन नहीं लेनी कोई ये जाया नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर काफ़ी सारे हमने जानवर रखे हुए हैं सो कोई भी खाने पीने की चीज़ तो जो है ना वो ज़ाया नहीं होती हम लोग अपने जानवरों परिंदों वगैरह को डाल देते हैं पर ये है कि हमारे लिए उसने थोड़ा सा छोड़ा है उसने सारा शावर खोल के ना उसमें से चमचियों से निकाल निकाल के हर चीज़ में उसने आटा घुसाया हुआ था और टोटल इस पूरे काम में ना पाँच मिनट उसको लगे होंगे मतलब आप इससे उसकी स्पीडें चेक कर सकते हैं कि किस कदर उसकी मशीनरी तेज़ चलती है सो यहाँ पर मैंने कोशिश की कि मैं रात को ही ना जल्दी जल्दी से ये सारा मैस उठा दूँ क्योंकि फिर सुबह तकरीबन इस पर मुझे आधे से एक घंटा तो लग जाना था सो मैंने सोचा रात को ही ये सारा कर लेती हूँ ताकि रात को सुबह उठ के ना मुझे एक धक्का ना लगे क्योंकि आजकल सर्दी तेज़ हो गई है ना तो सर्दी में थोड़ा सा टाइमिंग में भी थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि अब जिस टाइम पे सुबह में उठ के काम शुरू करती थी अब उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दे रहा होता है सो थोड़ा सा टाइमिंग में हो रहा है मेरे जागने की तो वही रूटीन है लेकिन काम मैं थोड़ा सा लेट शुरू करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह बिस्तर से निकलने का वाकई में दिल नहीं कर रहा होता सो so, मैंने सोचा रात को ही सारा कुछ समेट के सोऊं तो ये आप देख सकते हैं एक बार तो मैंने समेट दिया है अब बाकी जो वो जब तक सोता नहीं है तब तक तो वो अपने काम पूरे करता रहता है सो so, भाई ये सारा कुछ मैंने ख़त्म किया और मैंने अपनी जो नाइट रूटीन है ना वो फॉलो की किस दिन इंशाल्लाह अपनी प्रॉपर जो सर्दियों में मेरी स्किन के रूटीन है वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी लेकिन चूँकि ये एक बेसिक सी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर करनी थी सो बस वही है जैसे ही सारा कुछ ख़त्म होता है तो ब्रश वग़ैरह करके और मॉइस्चराइज़र वग़ैरह लगा लु के फिर बेटू जी की प्रोटोकॉल का टाइम आता है और उनको फिर स्टोरीज़ सुनानी होती है क्योंकि वो सोने से पहले ना थोड़ी देर के लिए स्टोरीज़ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करता है वरना वो नहीं सोता <laughs> या तो उसकी नानो ज़्यादा दर्द उसकी नानो ही फंसती हैं उसके हाथों में या फिर उसकी मामी और मेरे पास स्टोरीज़ के लिए ना वो ज़रा थोड़ा सा जब उसको कहीं से ना मिल रहा हो तो फिर वो मेरे पास आता है क्योंकि मेरे पास इतनी स्टोरीज़ बनती नहीं है पता तो तो नहीं क्या मसला है लेकिन ये है कि रात को फिर खासतौर पर जब उसने सोना होता है ना तो वो फिर और किसी के पास जाता ही नहीं है सो so, यहाँ पर मैं ना उसके रात को जो जो भी बच्चे के लिए ज़रूरत होती है ना मैं सारी चीज़ें अपने पास रख के सोती हूँ पैम्पर्स हो गए एक्स्ट्रा पेम्पर भी पास रखती हूँ उसके दो बॉटल्स भी पास रेडी करके रखती हूँ और सोने से पहले ना बेड पर एक बार मैं एक ना बिछोनी सी बिछा लेती हूँ क्योंकि वैसे तो पैम्पी लगी होती है रात को लेकिन फिर भी लीकेज की कोई फिर टेंशन नहीं रहती ना सो so, इधर बाट साहब को फिर मैं हमेशा हमारी यही रूटीन होती है उसको थोड़ी बहुत स्टोरियाँ सुनानी होती है, और हो हैं और फिर वो रिलैक्स हो जाता है और फिर हम लोग सो जाते हैं <laughs> और उसके बाद बाकी हम दोनों जो है ना घर में कभी कभार ये हो कि मैं लेट सो गई अगर मुझे वाकई में नींद तो मुझे बहुत जल्दी आ जाती है लेकिन सोती मैं कई बार किसी ड्रामे ड्रा क्योंकि रात कोई टाइम होता है ड्रामा शामा देखने का तो वो देखने में बैठ जाऊँ तो लेट हो जाऊँ वरना जैसे दान्यास होता है मैं भी उसके साथ सो जाती हूँ सो so, जनाब ये क्लिप है जी ये सुबह हो चुकी थी और मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी अभी दानियाल सोया हुआ था आज माशाल्लाह से वो अच्छा सोया है और सुबह उठा भी थोड़ा सा लेट था यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना जब से कि वो सोया हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ अम्मी भी वॉक पे गई हुई थी और दानियाल सोया हुआ है और मैंने सोचा कि जो नाश्ता आज वैसे तो मैंने बड़ा मकई की रोटी का सोचा हुआ था लेकिन फिर सादी रोटियाँ बनाई हैं और साथ में जो साग था उसको तड़का शड़का लगाया और यकीन करें सर्दियों में ये जो साग है ना ये एक नमत है <laughs> मैं हमेशा पूरी गर्मी में इंतज़ार करती हूँ कब कर सर्दी शुरू होगी ना तो ये एक चीज़ आएगी सो so, वैसे तो आ, हम लोग एक साग ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में सबको पसंद है लेकिन आज तक हमारे घर में बना नहीं है जी हाँ हम लोगों में से किसी को साग बनाना नहीं आता ना ही अम्मी ने कभी बनाया और ना ही मैंने क्योंकि हमेशा से बना बनाया आ जाता था तो कभी ज़रूरत पड़ी नहीं जैसे ही एक बार हमारा ख़त्म होता है ना तो जैसे ही ख़त्म होता है तो वो दूसरी बार फिर आ जाता है माशा आंटी इतनी अच्छी है अम्मी की फ़्रेंड्स भी हैं वो भी बनाती हैं ना जब तो वो भी भेज देती हैं तो हमारे पास उसका स्टॉक ख़त्म नहीं होता सो यहाँ पे मैंने रोटियाँ शोटियाँ पकाई हैं और एंड पे फिर मैंने जो साग था ना सरसों का साग था और उसके ऊपर मैंने फिर देसी घी का तड़का लगाया उसको मेरे भाई को तड़का पसंद है जी देसी घी का मक्खन हो तो वो भी लगा लेते हैं लेकिन अभी देसी घी था वो भी घर में अम्मी ने बनाया होता और इस बार क्या अम्मी ने देसी घी बनाया है यार वो इस कदर ज़बरदस्त उसकी खुशबू है ना अच्छा मेरी ना जो मैंने ज्वेलरी की वीडियो लगाई थी उस पर बहुत आप आ, लोगों ने आपको आपने बहुत पसंद किया बहुत शुक्रिया उसके लिए अच्छा उसमें मुझे डिफरेंट मिक्स किस्म के कमेंट्स आ रहे थे और अक्सर लोग कह रहे थे कि आपको नींदी खानी चाहिए थी चोरों का वो वगैरह का खदा अच्छा होता है कहीं को बहुत अच्छी लगी और कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप जु देती हैं कि नहीं जनाब अगर, अगर अल्लाह ताली ने दिया हुआ है ना गोल्ड अगर मैं ले सकती हूँ तो जुकत देने की भी मेरी औकात है सो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान के पास हो और वो जुकूत ना देता हो जनाब मैं पूरी पूरी जिस जितनी उसकी बनती है उसकी जुकात भी जाती है और रहा चोरों का डर तो वो तो मैंने ना तो ये किसी के दिखावे के लिए शो किया था या किसी की दिल आज़ारी के लिए भी नहीं दिखाया मेरा शौक था मेरे पास उस टाइम थे मैंने निकला, निकला ले हुए थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ जस्ट फॉर फन मतलब कि मेरा जिस तरह औरतों को शौक़ होता है जुली की वीडियोस देखने का तो मैंने बस उसी मैं खुद बहुत ज़्यादा देखती हूँ सो so, मैंने सोचा कि मैं भी शेयर करती हूँ सो so, जनाब यहाँ पर हमारा जो नाश्ता है ना वो हो गया था रेडी और हम खा रहे थे नाश्ता और ये जनाब ये हमारी एक बेसिक रूटीन है जो पिला नागा अच्छा इसके अंदर काफ़ी और चीज़ें होती हैं जो मेरी पर्सनल रूटीन है वो मैं इन शाह आपके साथ अकेले किस दिन शेयर करूँगी सो जनाब आज के लिए सिर्फ इतना ही उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है इन आपसे रोज की तरह मुलाकात होती रहेगी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाफ़ी